चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक होटल इरावती में प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए महासचिव सुरेश कश्मीरी ने कहा कि आधे अधूरे न्यू बस स्टैंड चंबा का खामियाजा 7 वर्ष बाद आज भी चंबावासी भुगत रहे। चंबा शहर में आज भी पार्किंग की बहुत समस्या है और साथ ही रेडी फड़ी के अतिक्रमण से भी शहरवासी काफी परेशान है। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि शीघ्र ही इन समस्याओं का कोई हल निकाला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यू बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड तक HRTC की बसों को बढ़ाया जाए ताकि आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक प्रधान श्री ओम प्रकाश जी गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जो मुद्दे रखे गए उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा वो रहा कि आज लगभग 7 साल हो गए पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड को शिफ्ट हुए, लेकिन आज दिन तक भी आधे अधूरे नए बस स्टैंड का जो खामियाजा है वो चंबावासी भुगत रहे हैं। चंबावासियों को इस नए बस स्टैंड के बनने से पूरी सहूलियतें जो हैं वो आज तक सरकार मुहैया कराने में विफल रही है। इसका विवरण देते हुए चर्चा में पूरा लेखा जोखा रखा गया और इसका एक पत्र जो है वो हमने अभी 3 तारीख को रजिस्ट्री के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को प्रेषित किया है, जिसकी प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया जी को और यहाँ के जो सदर विधायक हैं नीरज नैयर जी उनको भी इसकी प्रतिलिपि की है, तथा साथ में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव महोदय और DC चंबा तथा जो यहाँ के रीजनल मैनेजर ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी प्रतिलिपि की है। तो उसमें हमने लिखा है संक्षिप्त रूप से कि 2002 से 2007 तक जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त हमारे सदर विधायक थे श्री हर्ष महाजन जी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी। तो समय की ज़रूरत को समझते हुए हमारे सदर विधायक ने चंबा के लिए एक बहुत विशाल हर किस्म की सुविधाओं से युक्त नया बस स्टैंड बनाने का विचार जो है वो सरकार के समक्ष रखा और उसके बाद सभी सामाजिक संगठनों एवं प्रशासन से सलाह मशवरे के उपरांत चंबा से मात्र 500 मीटर दूर जो भरमौर 0 चौक है वहाँ की जगह को उपयुक्त माना और शिमला से हिमुडा की जो चीफ प्रारूपाकार थी उनके साथ बाकी जो इंजीनियर थे उनको लगा करके उस जगह की पैमाइश की गई और 10,000 वर्ग मीटर जगह थी वो चिन्हित की गई। लेकिन जब 2007 में सत्ता परिवर्तन हो गया तो उसके बाद जो है वो वहाँ का काम जो था वो नहीं हो पाया। हालांकि उस वक्त के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी उन्होंने वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन भी रखा इन द प्रेजेंस ऑफ हर्ष महाजन जी
जो हमारे उस वक्त के सदर विधायक थे, लेकिन वो काम जो था उसमें काम नहीं चला। तो बाद में जब धूमल सरकार आई तो हमारी एसोसिएशन ने उनसे भी पत्राचार किया और उनसे आग्रह किया कि इस काम को जो है आरंभ किया जाए, लेकिन ये जो है मसला वो ऐसे ही रह गया। सरकार यहाँ पर वह बनाना नहीं चाहती थी, उन्होंने नई जगह की तलाश शुरू की और ततवानी नामक जगह को चिन्हित किया। तो उस सिलसिले में उन्होंने यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन थे उनको भी बुलाया और अपनी जो चीफ सेक्रेटरी थी उस वक्त उनको आदेश दिया कि इनके साथ मीटिंग की जाए। तो 29 अगस्त 2009 को चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में बचत भवन चंबा में एक मीटिंग हुई, जिसमें उस वक्त के जिलाधीश महोदय की तरफ से नियुक्त अधिकारी, वही चीफ प्रारूपाकार जो थी मुख्य प्रारूपाकार हिमुडा की वो भी थी, साथ में चीफ इंजीनियर और यहाँ के जो लोकल इंजीनियर्स और दिल्ली से भी एक वो सलाहकार प्राइवेट तौर पर मंगवाए गए थे, और हमारे जो जितने भी सामाजिक संगठन थे उन्होंने एक अपेक्स बॉडी फॉर्म की थी और उस अपेक्स बॉडी के जो प्रतिनिधि थे वो भी उस मीटिंग में उपस्थित रहे। तो मीटिंग में यही फैसला हुआ कि हम आपको जो परिवहन निगम की वर्कशॉप है तत्वानी नाम स्थान में उसके उसको और उसके साथ जो चंबा की पुरानी जेल है उसको तोड़ करके इकट्ठा 15,000 वर्ग मीटर का एक स्पॉट्स प्लेस जो वहाँ पर बनता है और वहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा और आपको एक बहुत ही अच्छा सुविधाओं से युक्त अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जो बना करके दे दिया जाएगा। और जहाँ तक नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक आने जाने के लिए उन्होंने ये किया कि एक शटल बस जो है वो लगातार चलती रहेगी, तथा जो लोग कसाकड़ा के रास्ते से जल्दी चंबा पहुंचने के लिए क्योंकि शॉर्ट पड़ता है तो वहां से आना चाहते हैं तो उनके लिए लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रावधान जो है सरकार करके देगी। तो वो उस संबंध में हमारे यहाँ के जिला प्रशासकों को आदेश भी कर दिए गए। तो ये तो रही कहानी उस वक्त की, लेकिन अब 7 साल बीत जाने के बाद भी ना तो यहाँ पर कोई लिफ्ट लगी है ना एस्केलेटर लगा है और जो एकमात्र शटल बस सर्विस चलती है वो बड़ी ही अपर्याप्त है और उनकी मनमर्जी पर निर्भर करती है, कई बार आती है कई बार आती नहीं है।